लॉज अपन क्यों जा रहे हैं? पता है? नहीं पता। फाइजल लॉज फर्स्ट पर्ची कटेगी। फाइजल लॉज जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी पर्ची कटेगी, यानी कि एक स्लिप हम लोग को मिलेगी जिसमें परमिशन रहेगा, परमिट रहेगी, कुछ प्लेसेस रहेंगी जिसमें वहाँ की परमिशन कंपलसरी है ताकि हम उन प्लेसेस को विजिट करने पाए। तो जब भी आप पचमढ़ी आएंगे तो आपको फाइजल लॉज जाना कंपलसरी है ताकि आप यहाँ की मेन प्लेसेस कवर कर सकें। तो भी हम वहाँ जाके देखते हैं आप कितना क्या चार्ज लगता है। और आपके हिसाब से हमने फाइजल लॉज के सामने भी गाड़ी पार्क की है और हम फाइजल लॉज की ओर जा रहे हैं और काफ़ी टूरिस्ट हैं। Asked our driver to stand on the line and meanwhile we went to check out the museum where a big bison statue was standing to greet us. I am in the bison museum animals, the places, flora and the fauna which are found in Pachmadi are displayed in this museum beautifully. Upar jana hai, kaisa lag raha hai? अच्छा लग रहा है। अभी नाम लिखा है किसको? अभी चढ़ी नहीं है ना तो अभी समझ नहीं आ रहा है। कैक्टस पे नाम लिखा, ये कैसे कर लेते हैं लोग? काला है, काला है। कितना कैक्टस पेड़ है, बड़े बड़े कैक्टस का पेड़। वो छत्तीसगढ़ की बात कर रही है। कुछ है क्या ऊपर देखने के लिए? गुफा है यार, कुछ गुफा है। वही अच्छा है, अच्छा देखने लायक है ना। सो आवर फर्स्ट लोकेशन इज श्री पांच पांडव केव्स ऑफ पचमढ़ी। The government has maintained a beautiful lawn garden around the caves which you can enjoy, and you can also enjoy car ride, motorcycle rides which are offered outside the caves. पूरी वो जर्नी कवर करके फोटो सेशन के लिए, और ऊपर भी है फोटो सेशन के लिए और व्यू पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छी है। सुधा हाय, मस्ट विजिट प्लेस है पचमढ़ी। This is the topmost view of Pandav Caves in Pachmadi and it's very very beautiful. माना जाता है कि पांडव केव्स पांडवों के लिए शेल्टर होम था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जाइल। पांचों भाइयों के लिए पांच केव्स हैं जिससे मिलकर यह पांडव केव्स बनता है।
ऊपर आकर आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा ऑलमोस्ट होल ऑफ पचमढ़ी का। और चढ़ने और उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ दी गई हैं उसके साइड में बहुत सही तरीके की रेलिंग बनी हुई है और सीढ़ियाँ बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है।